हाय, दिस इज पूनम शर्मा एंड वेलकम टू सद्भावना न्यूज। देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप बरकरार है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 2,59,170 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं कल 1,761 लोगों की मौत हो गई, जो एक दिन में सबसे ज्यादा है। देश में अब एक्टिव केस की कुल संख्या बढ़कर 20,31,977 हो गई है। जानिए आज के ताज़ा आंकड़े क्या हैं। ताज़ा स्थिति, कुल मामले 1,53,21,089, कुल रिकवरी 1,31,08,582, कुल मौत 1,80,530, कुल एक्टिव केस 20,31,977, कुल टीकाकरण 12,71,29,113। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के मुताबिक भारत में कल तक कोरोना वायरस के लिए कुल 26,94,14,035 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 15,19,486 सैंपल कल टेस्ट किए गए। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वैक्सीन निर्माताओं के साथ बैठक करेंगे। देश में 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज़।